वेलकम बैक टू माई ट्यूशन पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज किस वीडियो देखने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए ये फर्स्ट सेमेस्टर का आप देख रहे हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस जिसे हम राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, उसका दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है, शॉर्ट में पूछता है और आपसे ये पूछेगा कि मत्स्य न्याय क्या होता है। मत्स्य न्याय की परिभाषा आपको बतानी है, क्या समझते हैं मतलब मत्स्य न्याय की परिभाषा बता दो, ये हमसे पूछता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूँ बस इसी तरीके से एग्जाम में लिखाना, आप पास हो जाओगे, बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा आपको, कम नहीं मिलने वाला यहाँ से बिल्कुल आसानी से। तो आपको देखो मत्स्य न्याय डालेंगे, अब मत्स्य न्याय में हेडिंग अब डालेंगे मत्स्य न्याय, उसके बाद लिखने का मत्स्य न्याय का तात्पर्य प्रकृति के उस मौलिक नियम से है, मतलब प्रकृति किसे कहते हैं, जो भगवान ने बनाई है उसके नियम से है, ये बोला गया है मौलिक नियम से है, और जिसके अंतर्गत छोटी मछलियां बड़ी मछलियों को शिकार हो जाती है। मतलब क्या है, छोटी मछलियां होती हैं वो बड़ी मछलियों की शिकार हो जाती है। यह बोला गया है कि इसका मतलब तात्पर्य क्या, मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है, मतलब ये बोला गया है इसके अंतर्गत क्या होता है उस न्याय से है जिसमें छोटी मछलियां बड़ी मछलियों का शिकार हो जाती है। छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो बड़ी मछलियां खा जाती हैं उसको, तो वो शिकार हो जाती है। जैसे उसे जंगल, देखो कह रहा है इसे जंगल राज या फिर जंगल के कानून के समान भी माना जा सकता है, इसको जंगल राज या फिर जंगल के कानून के समान भी माना जा सकता है। यहां बोला गया जहां जीवन या यहां यह कह सकते हैं जहां जीवित रहने के लिए बलवान कमजोर का भक्षण करते हैं, मतलब जहां जो बलवान लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, जैसे शेर है। अब शेर क्या है, जंगल में अपना शेर राजा होता है, समझ रहे हो ना, वो कहीं का हर जगह का राजा है यार शेर। अब वो क्या हुआ, उसमें छोटे जानवरों को वो खाएगा, तो वो क्या हुआ बलवान जो होगा वो छोटे जो कह सकते हैं कमजोर है उनका भक्षण करेगा, मतलब खाएगा, तो वही बलवान। यहां बोला गया जहां जीवित रहने के लिए कोई ना कोई जीवित रहने के लिए छोटे जानवरों का भक्षण करता है, वही बोला गया है कमजोर लोगों का भक्षण करता है, और सरकार या फिर विधि के शासन के अभाव में मानव समाज आजादता की ओर बढ़ता और बढ़ेगा और समाज में अव्यवस्था फैलेगी। यदि क्या हुआ, सरकार या फिर विधि के शासन के अवैध या अभाव में मानव समाज आजादता की ओर बढ़ेगा और समाज में अव्यवस्था फैलेगी। साथ ही साथ यहां बोला गया है कि महाभारत में भी उल्लेख किया गया है कि यदि दंड देने वाला कानून की रक्षा करने वाला राजा राज में ही ना हो तो क्या हो सकता है, तो सबल व्यक्ति निर्बल व्यक्ति का ठीक है शोषण उसी प्रकार करेंगे जैसे या फिर जिस प्रकार सागर में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का शिकार करती है। इसका तात्पर्य समझे आप, मत्स्य न्याय का मतलब यह होता है अपना मतलब कि जो बड़े लोग हैं यदि सरकार ना हो कानून ना हो, इनका मतलब कहने का मतलब यह था मत्स्य न्याय का, सिंपली कहने का, इन्होंने कई उदाहरण दिए, उनका मतलब यह है यदि न्याय मतलब कि यदि कानून ना हो सरकार ना हो, मतलब सरकार जो राजा बैठा है, समझ रहे हो, जैसे अपना यूपी है तो यूपी में मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। यदि मान लो ये ना हो, ये राजा ना है, ये ना हो तो क्या होगा, जो बड़े लोग हैं वो तो छोटे लोगों का क्या करेंगे, भक्षण करेंगे, मतलब उनको लूटेंगे करेंगे जो भी करना करेंगे। यदि अब ये राजा है ये क्या देखता है, तुम क्या कर रहे हो भाई, मैं तुमसे बड़ा राजा हूं, तुमसे बड़ा हूं तो मेरी बात मानोगे, तो वो चीज सबको समान समझता है। तो वही बोला गया है कि जिस प्रकार यदि राजा ना होगा तो क्या होगा, दुर्लभ व्यक्ति जो होगा ठीक है जो कह सकते हैं निर्बल व्यक्ति का शोषण करेगा, बड़ा सबल व्यक्ति मतलब बलवान व्यक्ति सबल और निर्बल व्यक्ति का शोषण करेगा, मतलब उनको छीनेगा मारेगा पीटेगा जो भी होता है। जैसे कि जैसे किस प्रकार, जैसे बड़े सागर है और सागर में बड़ी मछलियां होती हैं, जैसे कि छोटे किसको, जैसे छोटी मछलियों को खाती हैं शिकार करती हैं उसी प्रकार से। तो ये एक उदाहरण था मत्स्य न्याय का, आप यहां से लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप इस तरीके से लिख के आइए, आपका पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कमेंट सेक्शन में। बेटा पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।